अंशुल साहब जी नाकाम हमारे बीच उपस्थित है, उनका स्वागत है। सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन है, जोरदार ताली बजाएंगे और इसी ताली के गड़गड़ाहट के साथ नाकाम जी का स्वागत। जोर से सम्मानीय मंच, आज हर गांव की धरा को अंशुल साहब नाकाम एवं समस्त आदिवासी समाज के क्रांतिकारियों की तरफ से हमारे महापुरुषों की एक अखंड श्रृंखला की स्थापना जो यहाँ पर हुई है, उस पर हम सभी सादर से वजहार अर्पित करते हैं। दोस्तों, चूंकि समय कम है और ये क्रांति की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने जो हमको दी है उसको लेकर हम आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। हर कोई व्यक्ति अपने अपने स्थान से अपने अपने बलबूते पर अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प के हिसाब से बिरसा मुंडा के आंदोलन को, टंकिया मामा के आंदोलन को, रेणु भाई पंडो भाई और जितने भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान में लिखित हमारे जो अधिकार है उन सभी को धरातल पे लागू करने के लिए संघर्ष कर रहा है। भाइयों, मैं आपसे बस तालियों से ज्यादा नहीं पूछूं, आप सभी का ध्यान आकर्षण चाहूंगा, ध्यान इस बात का आकर्षण चाहूंगा कि हमारे जो महापुरुष जिन्होंने ये जमीन हमारे लिए जो तैयार करके रखी है, आपको पता है, क्योंकि उन्होंने पता था कि हम एक ऐसी इबारत लिखेंगे कि हम आदिवासियों की कौन है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की तो आज की शासन सत्ता की गुलामी हम लोग नहीं करने वाले। आपको पता है कि जब बिरसा मुंडा ने अपनी आरंभ करने के बाद जब वो गांव गए तो उन्होंने एक ही बात कही कि जब हम देखते हैं कि हमारी जमीनें जमींदारों ने लूट ली है और हमारे हाथ में किताब दे दी है, ऐसी उन जुलूस किताबों को फाड़ कर फेंक कर और उसके बाद अपनी जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बिरसा कहीं से खड़ा हुआ, वो बिरसा जैविक से बिरसा मुंडा बना और आज वो बिरसा मुंडा की सारे वंशज यहाँ पर उसके आंदोलन को आगे लेकर चल रहे हैं। और उसी बिरसा मुंडा की उस नसीहत को बाबा साहब अम्बेडकर ने आत्मसात किया और 25 दिसंबर के दिन बाबा साहब ने एक और उलझनी किताब का अध्ययन कर दिया। मेरे भाई, ये वो बिरसा मुंडा की देन है और किसी और की देन नहीं है। एक बार ताली बजाएंगे। मैं क्योंकि समय कम है और बातें बहुत सारी हैं, मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूंगा कि आज हमारे को एक बात यहाँ से और लेकर जाना है। मैं यहाँ पे अगला सा दादा पेंडाम जी की क्लास का एक छोटा सा बच्चा हूँ और जीएसयू को गठित करके दूर दूर तक पहुंचाता रहा और किसी और की बदौलत नहीं, दादा सतीश पेंडाम जी ने जो दिशा निर्देश दिए समाज को कैसे संगठित करना है, इस समाज को कैसे जागरूक करना है, उस समय से हमने काम किया। हमने उस समय से काम किया मेरे भाई, जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लोग पढ़ने नहीं दिया करते थे, हम जय सेवा बोला करते थे तो लोग हमको जय सेवा बोलने नहीं दिया करते थे, हम उस समय से काम करते आ रहे हैं। और यहाँ पर जब 2013 के आंदोलन में मेरे महेंद्र भाई यहाँ पर अपनी बाहुबली पहुंचे हैं, उनके भी जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। 2013 के आंदोलन में भोपाल में हम लोगों ने लाठियां खाई थी और उस समय जब हम लोगों का आदिवासियों का आंदोलन भोपाल से गर्जा था तो यहाँ से शासन सत्ता को समझ में आ गया था कि ये लोग एक दिन इतिहास रचेंगे, इसलिए क्यों ना इनको आपस में तोड़ दिया जाए। परंतु अब ये सफल नहीं होने वाले, जितना टूट फूट इनको करना था इन्होंने पहले कर दी। आज रामदेव जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी महारथी हमारे समाज के बीच मौजूद है, जिनको ऐसे गुरु हमारे सभी दादा जैसे गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है, हम सब मिलकर फिर से एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। इस जगह से हमारे हरण गांव की जमीन से इस बात को यहाँ से लेके जाएंगे। हरण का मतलब कि जिन लोगों ने ये हरण गांव को, मैंने एक छोटी सी दुकान की सूची है वो कहना चाहूंगा, अब हमको हरना होगा। हरण का मतलब हरना होता है ना, अब हमको हरना होगा क्योंकि ये मांगने से हमारे अधिकार नहीं दे रहे हैं, हम अधिकारों के लिए फिर से लड़ना होगा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ आप सभी को कि आपने मुझे संक्षिप्त
के साथ आखिरी में नारे हो जाए, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, एक तीर एक कमान, फिर आदिवासी एक समान। उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपना सिर्फ ईगो को साइड में रख के समाज को एक करने के लिए निकले, क्योंकि यही सरकार का आंदोलन तब सार्थक होगा। अरे बातें बहुत होती है, जज्बातें बहुत होती है, परंतु सफल वही होता है जिसकी बातें दुश्मन के घर में सत्य के साथ होती है, उस सत्य के साथ होती है। इसी के साथ सेवा जोहार, जय जोहार, जय बिरसा। बहुत बहुत धन्यवाद।